एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर। दरअसल ये बात तो आप सब जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अगर पता चल जाए कि किस इंसान ने क्या गलत किया है, वो तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं और ऐसे में या तो एनकाउंटर होता है या तो बुलडोजर चलता है। ऐसा ही बुलडोजर इस बार चलता हुआ नजर आया सीएम योगी आदित्यनाथ का, किसी और के घर पर नहीं बल्कि मनीष दुबे के घर पर। हम बात कर रहे हैं एसडीएम ज्योति मोर्या के प्रेमी मनीष दुबे की। दरअसल एक तस्वीर और एक खबर सामने आई जिसमें पूरी तरह से दावा किया गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मनीष दुबे के घर पर चला, क्योंकि ऐसे में जहां पर जांच कमेटी मनीष दुबे के मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, जिसमें से तीन केसों में वो आरोपी पाए गए। ऐसे में जब जांच पड़ताल की गई उन तीन केसों पर तो वहां पर आरोप साबित नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी कहा तो ये भी गया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में जिस तरह से आलोक और ज्योति का घर टूटा, ये देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं आया और उन्होंने मनीष दुबे के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। आपको बताते चले कि जब यहां पर ये खबर तस्वीर सामने आई तो हमने भी ले लिया फैसला कि आपको सच के साथ रूबरू करवाया जाए। तो बताते चले आप सबको, जब सच की छानबीन की गई तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ को आलोक मोर्या ने एक लेटर तो लिखा था और ये लेटर लिखा था 3 महीने पहले, जब इस केस की शुरुआत हुई थी, जब आलोक मोर्या मीडिया वालों के सामने रो रहे थे और बताते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें अपनी पत्नी से इंसाफ चाहिए क्योंकि उनकी पत्नी ने उनके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। ऐसे में आपको बताते चले कि आलोक मोर्या ने लेटर तो लिखा लेकिन इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि इस केस को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। आपको बताते चले कि अब जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम जोड़ा जा रहा है एसडीएम ज्योति मोर्या के केस और मनीष दुबे को लेकर, ये पूरी तरह से फर्जी और फेक है। यहाँ पर आप जानते हैं कि ऐसी ही फेक न्यूज के वायरल होने से काफी ज्यादा परेशान हो गई ज्योति मोर्या, जिसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट का एक बार नहीं बल्कि दो बार दरवाजा खटखटाया और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि उनके खिलाफ और मनीष दुबे के खिलाफ जितनी भी फेक न्यूज वायरल हो रही है उन्हें बंद करवाया जाए और डिलीट करवाया जाए। ऐसे में अभी भी कुछ सोशल मीडिया चैनल ऐसे ही है जो ज्योति मोर्या और मनीष दुबे के नाम का गलत इस्तेमाल करके ऐसी फेक न्यूज को वायरल कर रहे हैं। इस वक्त जो सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर और मनीष दुबे के घर को तोड़ने को लेकर जो खबर वायरल हुई है वो भी पूरी तरह से झूठी है। हमने इस रिपोर्ट को खास तौर पर तैयार किया है आप सबके लिए ताकि आप सबको सच के साथ रूबरू करवा सके। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया।